हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा पिंक ग्लोई डूई एंड बहुत सटल मेकअप लुक। ये मैंने इस ब्यूटीफुल से पिंक कलर की कुर्ती के साथ कैरी किया है एंड ये है रक्षाबंधन मेकअप लुक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टोनर को अप्लाई किया है अच्छे से एंड उसके बाद मैंने पॉन्ड्स का यहाँ पे मॉइस्चराइजर लिया है। अल्ट्रा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर, लाइक बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा आपको। उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर लिया है, इसको अप्लाई कर लिया है मेरे टी जोन एरिया पे। एंड ये भी काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है, लाइक अफोर्डेबल रेंज में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं बहुत अफोर्डेबल यूज़ किए हैं। फिर मैंने इनसाइड का ये फाउंडेशन यूज़ किया है, इसको अच्छे से अप्लाई किया। ये मैटिफाई फाउंडेशन है, मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऐसा मौसम चल रहा है, लाइक हमारा जो बेस है बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है। इसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ किया है, अगेन स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, ये भी बहुत अफोर्डेबल है एज वेल एज़ बहुत अच्छी कवरेज देता है। एकदम आपको ना हाई एंड कंसीलर को टक्कर देता है, बहुत ब्यूटीफुल कंसीलर है। उसको मैंने अगेन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मैंने इसको मेरे अंडर आई, आईलेज, नोज, फॉरहेड पे लगाया था, बेसिकली जहाँ मुझे मेरे फेस को थोड़ा सा हाइलाइटनिंग करना था वहाँ। उसके बाद मैंने मेवलिन फिट मी का ये वो कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, इससे मैंने मेरे पूरे बेस को सेट कर लिया है अच्छे से एंड ये अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर है। फिर मैंने एस एफ आर का आई शेडो पैलेट लिया है, इसमें से ये ऑरेंज शेड लेके मैंने मेरी आईज पे ट्रांजिशन शेड अच्छे से अप्लाई किया, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया है। फिर उसके बाद मैंने पिंक शेड को लेके आउटर वी से इनर वी तक अच्छे से ब्लेंड किया है, उस ऑरेंज शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड करती गई हूँ। एंड ब्लेंडिंग काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है मेकअप में, वैसे तो ये बहुत ईजी है मेकअप है, इफ़ आप बिगिनर हो ना बहुत अच्छे से कर लोगे। उसके बाद मैंने क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उससे सारे शेड्स को अच्छे से लाइक मर्ज कर लिया है, ब्लेंड कर लिया। फिर स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लगी सिल्वरिश लाइक शिमर शेड को लिया है, इसको मैंने मेरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आप फिंगर की हेल्प से भी ऐसी रेंडमली अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। मेबलिन का मैंने काज आईलाइनर लिया है, उसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा विंग क्रिएट किया है, मैंने अच्छे से आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। आफ्टर डैट मैंने मेरी सेकेंड आई का मेकअप ऑफ कैमरा कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का वाइट काजल लिया है, काफ़ी अच्छा काजल है ना, आपको जस्ट 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरी आईज थोड़ी छोटी हैं इसलिए मैं वाइट यूज़ करती हूँ। आफ्टर डैट मैंने अगेन सेम पैलेट में से दोनों शेड को मिक्स करके मैंने मेरी लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने अगेन स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ब्राउनिश शेड को लेके मेरे फेस को कॉन्ट्रोल कर लिया है, थोड़ा यू नो फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। तो मैंने मेरे चीक बोन को, मेरी जॉ लाइन को एंड मेरी नोज़ को अच्छे से लाइक ब्लेंड कर लिया है। एंड मैं नोज़ को कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी नोज़ जो है वो फैटी है, इसलिए मैं नोज़ पे कॉन्टोरिंग ज़रूर करती हूँ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का शिमा मैट ब्लश लिया है, उससे अच्छे से ब्लश अप्लाई किया, थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई किया एंड थोड़ा सा चिन पे अप्लाई किया, थोड़ा नेचुरल एंड ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देता है। आफ्टर इट स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से मैंने मेरे बेस को सेट कर लिया। मार्स का वंडर हाइलाइटर लिया है, इससे मैंने मेरे फेस को हाईलाइट कर लिया लाइक नोज़ पे, चीक बोन पे, क्यूपिड बो पे। उसके बाद ब्लू हेवन की लिपस्टिक ली है, इसको पहले अप्लाई किया एंड उसके बाद मैंने माइग्लैम की लिपस्टिक ली है, उस फिर उसको अप्लाई किया थोड़ा सा इस लाइक ब्लू हेवन की लिपस्टिक को टोन डाउन करने के लिए। एंड आफ्टर डैट हेयर इज़ अवर फाइनल फिनिश लुक। इयर रिंग्स फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर, उन्होंने मुझे सेंड किए थे एंड जो कुर्ती है वो मीशो की है एंड आई थिंक ये लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए ये लुक हेल्पफुल रहा हो और आप रक्षाबंधन पे इसको बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। इफ़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।